वहीं लखनऊ में आयोजित होने वाले G20 ग्लोबल समिट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। G20 ग्लोबल समिट 11 फरवरी से 27 अगस्त तक चलेगा। इसे लेकर मंत्री सुरेश खन्ना का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है, सुरेश खन्ना जी, खास बातचीत करने के लिए। सर 14-10 से लेकर 12 फरवरी तक ग्लोबल G20 ग्लोबल समिट होने जा रहा है, सर G20 ग्लोबल समिट होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये ग्लोबल समिट उत्तर प्रदेश के गुड गवर्नेंस का परिणाम है। गुड गवर्नेंस के आधार पर योगी जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुशासन और विकास के आधार के ऊपर जो ख्याति अर्जित की है, ये उसी का परिणाम है कि आज हजारों लोग देश विदेश से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक होगा। तो चलिए आपको बता दें, पूरी तैयारियां हैं तेजी के साथ यहां पर, और खुद सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ शुभम हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। शुभम, काउंटडाउन शुरू हो गया, G20 के तैयारियां तो हो ही रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किस तरह की खास तैयारी देखने को मिल रही है अब लखनऊ के अंदर? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 सम्मेलन को लेकर के राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में बेहतर व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ स्वच्छ और सुंदर राजधानी लखनऊ दिखे, इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। खास तौर से एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक एक विशेष मार्ग तैयार किया गया है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 सम्मेलन के दौरान देश विदेश से आने वाले तमाम मेहमानों के लिए एक रैंप बनाया गया है, जिससे कि राजधानी लखनऊ का यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित ना हो और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले देश विदेश से मेहमानों को एक बेहतर लखनऊ भी दिखे। लिहाजा राजधानी लखनऊ में इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। इन्वेस्टर्स की अगर बात करूं तो लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक का एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री विदेश दौरे पे थे, मंत्रियों के समूह दौरे पे थे, उसके बाद देश के बड़े शहरों में भी उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री गए हुए थे। लिहाजा उत्तर प्रदेश में अब तक जो लक्ष्य तय किया गया था 10 लाख करोड़ का, उससे दोगुने के लक्ष्य की तरफ उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 2 से 3 दिन पूर्व ही अपने लक्ष्य के दोगुने को प्राप्त कर चुका है। अब आप समझ सकते हैं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिलों में सरकारों के विभागों के द्वारा भी अलग अलग जगहों पर एमओयू साइन हुए हैं। इन्वेस्टर्स पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मन बना चुके हैं आने वाले दिनों में कि जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करेंगे, इस बेहतर माहौल में करना चाहते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद सबसे तेज गति से विकास दर में बढ़ोतरी करने वाला प्रदेश बन सकता है, जिसके परिणाम उत्तर प्रदेश में रोजगार के साथ साथ बिल्कुल 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में अब नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम इस जानकारी।